Hey guys, welcome to my channel. मेरा नाम है सूरज और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूं. मैं मेरे स्केचिंग के टाइम लैप्स वीडियो जो है बना के मेरे चैनल पे पोस्ट करता हूं. अगर आप नए हो तो यू कैन जस्ट चेक आउट माय वीडियोस. आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लेके आऊंगा. टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. आज के वीडियो में मैं आपको मेरे सारे स्केचेस दिखाऊंगा जब मैंने स्टार्ट किया था वहां से लेके आज तक मैंने कैसे इम्प्रूव किया, मैंने क्या टेक्निक यूज की, उसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा. तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. तो ये है मेरे कुछ पुराने स्केचेस जो मैंने काफी साल पहले बनाए थे जब मेरी ड्रॉइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव होके मैंने ये स्केचेस बनाए थे जब मुझे शेडिंग का कोई आइडिया नहीं था. यहाँ पे मुझे शेडिंग बिल्कुल नहीं आती थी. रितिक फ्रॉम काइट्स. उसके बाद ये यहां तक मैं थोड़ी शेडिंग करना सीख गया था. ये भी थोड़ा पुराना. ये सारे स्केचेस जो है फ्री हैंड है, इसमें कोई ग्रिड लाइंस यूज नहीं किए थे मैंने. अगर आप लोगों को नहीं पता ग्रिड लाइंस के बारे में तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल को. ये कुछ कलर स्केचेस जो मैंने बनाए थे. ये मैंने कुछ पेन स्क्रिबल किए थे, ये मैंने खुद की बनाई थी. तनवीर, ये रॉबर्ट डाउनी, ये भी जो है सारे फ्री हैंड स्केचेस थे. उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव करके मैंने बनाए थे ये वाले स्केचेस. और ये जो स्केच है जहां पे मैंने सबसे पहले ग्रिड लाइन यूज किया था, तो ये तब का मेरा सबसे फेवरेट स्केच था. के बाद से मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था ग्रिड लाइन मेथड. तो पहले मुझ में पेशेंस बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं एक स्केच 2 से 4 घंटे में बना रहा था, और जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप में पेशेंस होना ही चाहिए. तो ये जो है मैंने ये जो लेटेस्ट स्केचेस है जो मैंने बहुत टाइम लेके बनाया, बहुत पेशेंस लेके, जो काफी अच्छे बने थे. इसमें जो है मैंने बहुत सारी डिटेलिंग की है तो मुझे टाइम भी बहुत लगा था. इसका वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा.
ये मैंने बनाया था मोहन बम। ये कुछ कलर स्केचेस जो मैंने बनाए थे। बहुत ही रीसेंट जो मैंने स्केचेस बनाए थे वो थे ये। इन तीनों के वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो नाउ इफ यू सी माय इम्प्रूवमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, जो कि बहुत बहुत साल लगे थे मुझे, बहुत ही पेशेंस का काम है। आप स्केच आर्टिस्ट दो दिन में नहीं बन सकते, सो यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रिड लाइन यूज करें। सो आई होप आप लोगों को मेरे स्केचेस पसंद आए होंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लेके आऊंगा जहाँ पे मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको उसके ऊपर कुछ टिप्स भी दूंगा, शायद आप लोगों को, तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।